गाइस क्या आप 12th पास आउट है एंड कंफ्यूज है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और कौन से कॉलेज में नहीं, तो आज हम एक ऐसी कॉलेज की बात करने वाले जो आपको सेकंड ईयर में ही प्लेस करवा सकता है और नई नई टेक्नोलॉजीज के अंदर के लिए ट्रेन करता है, जैसे AI, ML एंड ChatGPT वगैरह वगैरह। और गाइस इतना ही नहीं, अगर 4 साल बाद आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, मतलब अगर नो जॉब मतलब नो फीस, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। गाइस इंडिया में 6000 से ज्यादा प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें से हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, और इनमें से जॉब कितनों के लगती है अराउंड 20-45%, और बाकी जो रह जाते हैं 60% के अराउंड वो रह जाते हैं अनएम्प्लॉयड, और ये रेट जो है वो हर साल इंक्रीज होते ही जा रहा है। कुछ टॉप के कॉलेज जैसे IIT और NIT को हटा दें तो भाई जितने भी प्राइवेट फेमस कॉलेज है इनका जो एक्चुअल प्लेसमेंट रेट है वो ज्यादा नहीं 30-35% का, बट ये क्लेम कैसे करते हैं आपको 90-95% का प्लेसमेंट रेट शो करते हैं। अगर हम बात करें IIT मद्रास की तो इनका जो 3-4 साल का प्लेसमेंट रेट उठा के देखें तो ऐसा खुद क्लेम करते हैं कि इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो 80-85% का रहा। तो भाई आपको कैसे लग सकता है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज का प्लेसमेंट रेट 90-95% का हो सकता है, जबकि IIT मद्रास इतना रेप्यूटेड कॉलेज है, इतना रेप्यूटेड नेम है, ठीक है। और तो भाई आप सोच ही सकते हैं कैसे आपको प्राइवेट कॉलेज अपना प्लेसमेंट रेट दिखा के कैसे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। अब सोचिए लाखों बच्चे हर साल कोटा और हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पैसा और एफर्ट लगा के इतनी प्रिपरेशन करते हैं किस एग्जाम के लिए, जेई मेंस और एडवांस के लिए, और अगर इसके बाद भी इनका नहीं हो पाता तो भाई इनको अपने पेरेंट्स का पैसा लगा करके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना पड़ता है कैरियर को लेकर के। और गाइस आपको तो पता ही प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है, जो 25 लाख से स्टार्ट होकर 60 लाख तक और भी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते किसी भी प्राइवेट कॉलेज का, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो फीस उनकी ज्यादा महंगी होगी। और गाइस आप ही सोचे अगर आप इतना पैसा देते हैं और आपकी जॉब नहीं लगी, और अगर जॉब लग भी जाती है इन कॉलेज से तो कितने की लगती है, ज्यादा 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक की जॉब लग जाती है, इससे ज्यादा की नहीं लगती है प्राइवेट कॉलेज से, आपको भी पता ही है। एट दिस पॉइंट फंक्शन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है, आप भी सोच रहे हो कैसे, तो इनका एक सिंपल सा प्रॉमिस है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो आपको 100% फीस रिटर्न कर दी जाती है, मतलब अगर आपकी जॉब लग गई तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी जॉब नहीं लग पाती तो भाई आपको 100% फीस रिटर्न करते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी फीस पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी ब्रिलियंट इनिशिएटिव के बारे में अभी हम और डिटेल से बात करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ये लोग कैसे कर रहे हैं, इसको क्लियर कैसे क्रैक करें, तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट ये हम दूसरी तरफ देखें तो भाई यूपी में जो पीओन वॉचमैन और माली की नौकरी के लिए 55 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आई हुई है, और इसमें से गाइस जो 50% से ज्यादा वो बीटेक ग्रेजुएट्स है, और इतना ही नहीं बीटेक के बाद भी लोगों को 2000-3000 की जॉब करनी पड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए, जो कि काफी ज्यादा गलत हो रहा है। अब आप ही सोचें अगर बंदा कोई 10-12 लाख अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है और उसके बाद उसको 2000-5000 की जॉब करनी पड़े तो गाइस गलत तो हो ही रहा है काफी ज्यादा। तो इसी का डिटेल से बात करें कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हे गाइस दिस इज किशन एंड यू आर वाचिंग केकेजी ब्लॉग्स। हाँ तो भाई हम बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर, तो हम प्रॉब्लम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और हर प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो भाई जो उसकी प्रॉब्लम वो क्या है, करिकुलम एंड फैकल्टी की प्रॉब्लम, इंडस्ट्री की और स्कोप की। तो सबसे पहले हम डिटेल्स में जो बात करेंगे वो करिकुलम एंड फैकल्टी की। तो है जो मैक्सिमम कॉलेज का करिकुलम है वो 10-15 साल पुराना है, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और ऊपर से जो टेक्नोलॉजी वो रात रात में इतनी अपडेट हो जाती है, क्या ही बताएं इस बारे में। तो भाई जैसे जो कॉलेज वाले आपको क्या करते हैं, वो थ्योरी पढ़ाकर चले जाते हैं, क्लास में आएंगे टीचर्स आएंगे थ्योरी पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल जीरो। और क्या आपको जॉब में क्या करना होता है, जैसे आपको जॉब में रिएक्ट JS, नोड JS, फ्रंट एंड बैक एंड आपको इन सब पे काम करवाया जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह, बट कॉलेज में ज्यादा नहीं करवाया जाता, और करवाया भी जाता है तो काफी लो लेवल पे। तो है तो आपकी जॉब लगे कैसे जब आपको ये सब करना ही नहीं आएगा, तो है आपकी डिग्री का क्या करेंगे इस कंपनी, कोई काम तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ही होने वाला है। तो जो आज का समय उसमें AI वगैरह ने पूरी दुनिया को चेंज ही कर रखा है, जो 20-30 साल पुरानी कॉलेज के सिलेबस का उसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, जो बिल्कुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हेल्पलेस कर देती है, और मैक्सिमम जूनियर्स का अगर आप देखेंगे तो जो इंजीनियरिंग को छोड़कर पूरे कॉलेज लाइफ में सब कुछ कर लेते हैं। और जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, आप नोकिया का कीपैड डब्बा फोन तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, जैसे पुरानी जनरेशन होगी उन्होंने तो देखा ही होगा, और नहीं भी देखा होगा तो कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होंगे आप ऐसे, तो उसकी भी रील्स में कभी कभी आ जाता है नोकिया वर्सेस आईफोन। तो जैसे आपने सीखा नोकिया के बारे में, और जैसे आपकी जॉब लगी कहीं तो वैसे वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा आईफोन बनाने के लिए, तो वैसे आप कैसे बना, क्योंकि आपने सीखा तो नोकिया के लेवल का, बट आपको बनाना क्या है आईफोन, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वैसे यहीं पे आ जाती है दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं इंडस्ट्री को, तो वैसे अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव देखें तो इंडस्ट्री वाले आपको क्या कहते हैं, भाई जो इंजीनियरिंग के बच्चे वो अनएम्प्लॉयबल है, मतलब जो 10-12% बच्चे हैं जिन्हें अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का काम आता है, बाकी बच्चों को पता ही नहीं कि अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का करना क्या, क्योंकि जब जॉब के लिए कंपनीज आती है तो उसमें जो इंप्लॉयज होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आप नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब या जो भी, क्योंकि जो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो जीरो होता है, उनको किताबी का नॉलेज होता है उनका होता है, तो जो उनको किताबी नॉलेज का ज्यादा काम होता है, उनको काम होता है प्रैक्टिकल नॉलेज का, तो सीधा बोल देगा कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या फिर जो भी, तो भाई उनको क्या करना, उनको कोड वगैरह लिखवाना, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह करवाना, बट बच्चे इस चीज़ों के लिए एलिजिबल ही नहीं होते, मतलब कर ही नहीं पाते, तो उन्होंने क्या, उन्होंने किताबी नॉलेज देखी, प्रैक्टिकल नॉलेज उनका बिल्कुल जीरो है, तो इस वजह से यहाँ पे आती है दिक्कत। अब हम लोग बढ़ते हैं स्कोप की तरफ, तो वैसे देखेंगे कि किसी भी कॉलेज में चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा सीट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर के, तो भाई उसमें जैसे मान लो 500-600 बच्चे, और जिसमें से मान लो अगर हम 100 बच्चों की स्टडी करते हैं तो उन 100 बच्चों में से करीब 10-12 बच्चे ऐसे होते हैं जो कोड लिख पाते, जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर पाते, बाकी के जो 80-90 बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका किताबी नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। इसी रेशो को हम ओवरऑल इंजीनियरिंग के ऊपर लगाकर देखते हैं तो हर साल काफी सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो वैसे कोड लिख ही नहीं पा रहे, बस उनके पास डिग्री रह जाती है, उनका सिर्फ किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जीरो। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, ट्रेजेडी हो रही है बच्चों के खिलाफ, बच्चों के साथ। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है,
तो इस क्या करें इससे निकलने के लिए, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका सॉल्यूशन, पूरी डिटेल्स में बात करते हैं इसके बारे में भी हम लोग। तो इसलिए आप सभी लोगों को अपने 4 साल सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, और मैं आपको ऐसे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप अपना एक्चुअली इंजीनियरिंग करके स्किल्स और एक्सपीरियंस गेन करके 100% जॉब ले सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, आप इसमें अपनी 60-70% का फीस भी रिकवर कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन खत्म होते होते तक। तो इसी को लेकर आया है फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी वो IITians द्वारा बनाया गया और ये आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्रोवाइड करता है। इन लोगों का टाइप है काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो आपको UGC सर्टिफाइड डिग्रीज देते हैं, और इनका मोटो है जॉब नहीं तो फीस नहीं। अगर आपकी जॉब लग गई तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी जॉब नहीं लग पाती तो आपको 100% फीस रिटर्न कर देते हैं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। सो अब आप भी सोचोगे कि लोग ऐसा कर कैसे रहे। सो वे डिग्री तो जरूरी है बट ये लोग बीटेक डिफरेंटली कराते हैं, तो आप सोचोगे कैसे। तो जैसे भी अनवांटेड कोर्स होते हैं जैसे जो भी साइड का उनको साइड करके ये लोग सिर्फ ध्यान देते हैं आपकी कोडिंग बेसिक्स और प्रैक्टिकल्स पे। फर्स्ट ईयर से जैसे आपको C++, JavaScript, Python आपका ध्यान इन सब पे कराया जाता है, और वैसे प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं इनके सेकंड ईयर से जहाँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न कर सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड मिलता है 50,000 तक का। ओके, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है 3 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करने के लिए, और जो उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर कराई जाती है जैसे आपको AI, मशीन लर्निंग, ChatGPT के ऊपर। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए अपनी 40% से लेकर 60% तक की अपनी फीस रिकवर कर सकते हैं कॉलेज खत्म होने से पहले इंटर्नशिप वगैरह के बीच में। इसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है टॉप IITians से, और जो गूगल, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे उन लोगों के साथ। और इसमें US बेस्ड आपको जॉब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी जाती है, और अप टू 60% की स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी है। और गाइस आप इसमें अपने 70% से ज्यादा ट्यूशन फी रिकवर कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले, जो कि काफी बढ़िया बात है। और गाइस 850 से ज्यादा इसमें हायरिंग पार्टनर्स है जो आपको इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। और अगर इसके बाद भी आप 4 साल अगर आप जीरो अर्न कर रहे कुछ भी अर्न नहीं कर रहे तो आपको 100% फीस रिटर्न कर दी जाती है बिना कुछ क्वेश्चन पूछे हुए और बिना कुछ किए, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाती तो वेल एंड गुड, इनका सिंपल सा मोटा जो आपको पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूँ, जॉब नहीं तो पैसा नहीं, ठीक है, मतलब फीस नहीं। फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेल के साथ भी प्रोवाइड करते हैं, आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CTOs के साथ टेक टॉक्स और टेक क्लब्स में बात कर सकते हैं जो कि आपको फंडिंग उठाने में काफी हेल्प करेगी, क्योंकि गाइस इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए मतलब स्टार्टअप वगैरह के लिए आपको फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस यहाँ आपको 100% प्लेसमेंट की जॉब की गारंटी तो ऑफर करी जाती है, उनका क्योंकि सिंपल सा मोटो है अगर जॉब नहीं तो कोई फीस नहीं। नाउ इट्स टाइम टू थिंक एंड टेक द करेक्ट डिसीजन, क्योंकि गाइस ये 4 साल आपके वापस लौट के आने नहीं वाले, तो जो भी आपको डिसीजन लेना हो सोच समझ के लेना। और अगर आपको इस प्रोग्राम के रजिस्टर करना है तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर अपना अप्लाई वगैरह कर सकते हो, पूरा रजिस्टर वगैरह कर सकते हो। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन बता देना अगर आपको कोई और वीडियो वगैरह चाहिए हो तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना दूंगा। और आपकी काफ़ी सारी रिव्यू वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो भी आपको दिख जाएगी इधर ही। तो गाइस बाय।